तो गाइस सामान रख लिया डिग्गी में और ये गाड़ी का टैंक है, ये देख सकते हो उसकी कंडीशन। अब इसको पेंट कराएंगे, पूरा रफ हो गया है ना, डिग्गी में डाल दिया है। ये साइड से पैनल भी हैं और कलर मैंने रेड ही फाइनल किया है, लेकिन इससे डिफरेंट शेड है वो रेड का। चलो फिर वहीं जाके मिलता हूँ। सो गाइस सामान रख लिया बनने और ओपन चल रहे हैं, और बस ये है कि पेंटिंग का प्रोसीजर नहीं बता पाता मैं गाइस कि उनके साथ बैठ के काम दिखाऊंगा आपको, और ये बहुत लंबी प्रोसेस रहती है। एक तो मैंने ये भी है, सो गाइस ये पुट्टी का काम हुआ है, थोड़ा माइनर से ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। ये पेंट रखा हुआ है और ये अपना बेस कोट जो लगता है, ये वाइट कोट जो लगा हुआ है, अब इस पर अपना कलर जो चढ़ेगा रेड वो लग रहा है। सो गाइज यहाँ पे अपना क्लियर कोट का प्रोसेस चालू हुआ है, जिससे ग्लॉस आती है, और इसमें मेटेलिक क्लियर डलवाया है जिसमें धूप में जाएगा तो ये ग्लिटर सा शाइन करेगा, इसी क्लियर कोट में मिलता है छोटा सा। और देख सकते हैं क्लियर कोट होते ही कितना फिनिश आ गई इसमें ग्लॉसी वाली, ये देखो। और ये आपको थोड़ा वीडियो में पिंकिश देख रहा होगा, लेकिन ये रियल लाइफ में ना फुल रेड है। ये वाला कलर नहीं, बेस कोट है पूरा, क्लियर ऊपर से पड़ेगा, पलट लीजिए। सो गाइज अगर आपको ये पेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता देना कितना अच्छा लगा है।
सेफ नहीं। दिख रही है लाल? अरे एक नंबर। बाइक में लगने के बाद ऐसा दिखेगा, आप देखो दूर से। उसमें पिंक दिख रही है, पिंक दिख रही है। हाँ लग रहा था वो उसमें पिंक। इसमें जो है ना पिंक पल डली है। हाँ इसमें जो आप साइड से देखोगे तो ये पिंक ही दिखेगा क्या? सबसे मेन चीज शेड चेंज नहीं हुआ उसमें। अभी देखो आप प्लेन दिख रही है, धूप में रखने से ये दाना दिख रही है इसका। हाँ। पूरा मेटालिकनेस हुआ है भाई। देखो युवा नहीं हुआ भाई, ईमानदारी से।